एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को हरिद्वार क्षेत्र के थाना मंगलौर में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग्स फ्री देव भूमि अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बरेली के थाना अलीगंज कासिम को 1 किलो 110 ग्राम स्मैक के साथ हरिद्वार के मंगलौर से गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को चलाया जा रहा है और इसी के तहत एएनटीएफ के द्वारा समय समय पर प्रभावी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी क्रम में कल एक तस्कर जो बरेली का रहने वाला है कासिम, थाना मंगलौर क्षेत्र हरिद्वार जनपद में 1 किलो 110 ग्राम स्मैक लेकर आ रहा था और हमारी एएनटीएफ की टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है और ये बहुत बड़ी रिकवरी है और इस पर लगातार हमारी प्रभावी नज़र है कि लगातार हम इस पर कठोर कार्रवाई करें और तस्करों को गिरफ्तार करें। इस स्मैक की कीमत जो हमारे मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर की लगभग होगी और इससे संबंधित जो भी लोग जो यहां पर नशा बेच रहे हैं और भेज रहे हैं इस तरह से, तो उनके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे।